सरकार जिस तरीके से पीडीएस सिस्टम में अनाज के बदले पैसा और कूपन देने की बात कर रही है, उस विषय पे व्यापक पैमाने पे लोगों का रोष अभी देखने को मिल रहा है। सरकार ये बोल रही है कि हम राशन दुकानों में अनाज के बदले पैसा देंगे, ये सीधे सीधे महिला विरोधी और बच्चों के भोजन के अधिकार का हनन है। चूंकि मैं खाद्य सुरक्षा के तहत यह अभियान में लंबे समय से जुड़ के काम कर रही हूँ, इसलिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ। मैं सविता और यह है मेरा समुदाय। उनकी आंखों के सामने भूख से मरोगे तो बताइए, वो तो मानने को तैयार नहीं है। भारत सरकार ने अपने एक एक दस्तावेज से, एक एक कागज से भूख की बात को मिटा दिया है कि इस देश में अब कोई भूखा नहीं है। इस देश में एक घंटे में 300 बच्चे कुपोषण से मरते हैं, कितनी शर्म की बात। खाद्य सुरक्षा के तहत तीन बातें काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहला है उत्पादन, दूसरा है भंडारण, तीसरा है वितरण। लेकिन जहां तक रायगढ़ के संदर्भ में कहा जाए तो यहां के हजारों हेक्टेयर जमीन जो पूरी तरीके से कृषि जमीन थी, वो पावर प्लांट के नाम से, बांध के नाम से और कोयला खनन के नाम से खत्म हो चुका है। और दूसरी तरफ पीडीएस सिस्टम में सरकार अनाज के बदले पैसा और कूपन देने की बात कर रही है, जिसका व्यापक पैमाने में रायगढ़ के अंदर विरोध चालू हो गया है और लोग धरना दे रहे हैं। मैं यह अपील कर रही हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप स्थानीय कलेक्टर श्री अमित कटारिया को 94-255-80-306 फोन करके अनाज के बदले पैसा देने के जो सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है उसका वो विरोध करें और लोगों को बेहतर पैमाने पे पीडीएस सिस्टम को बेहतर करके लोगों के बीच भंडारण व्यवस्था करें। मैं सविता, रायगढ़, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।